हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही आसान और टेस्टी नाश्ता, तो चलो बनाते हैं। बेसन और ब्रेड का बहुत ही चटपटा एवं आसान नाश्ता बनाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो बारीक कटी हुई हरी मिर्च लेंगे, एक छोटा प्याज ले लेंगे, थोड़ा सा कटा हुआ टमाटर ले लेंगे और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, काली मिर्च पाउडर ले लेंगे थोड़ी सी और इसमें डालेंगे अब बेसन। आप इसमें सब्जियां और भी डाल सकते हैं, जैसे गाजर डाल सकते हैं, बारीक कटी हुई पत्ता गोभी डाल सकते हैं, शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं, जो आपको अच्छी लगे वो सब्जियां डाल सकते हैं। और थोड़ा सा इसमें डाल देंगे बेसन। सारी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और थोड़ी सी डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, थोड़ी सी डालेंगे हल्दी, ज्यादा नहीं डालेंगे, बस थोड़ी सी कलर के लिए हल्की सी डालेंगे और थोड़ा सा पानी मिला के कर देंगे मिक्स। एक साथ पानी नहीं मिलाएंगे, धीरे धीरे पानी मिलाएंगे। इस तरह का घोल तैयार कर लेंगे, ज्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए और ज्यादा पतला भी नहीं। इसको आप 5-7 मिनट के लिए रख भी सकते हैं और अच्छी तरह, यदि आप नहीं रखना चाहते हैं, फटाफट बनाना चाहते हैं, तो 2-3 मिनट इसको अच्छी तरह मिक्स कर ले और इसके बाद हम इसमें जो ब्रेड है वो डिप करके इसको फ्राई कर लेंगे, डिप करके इसको धीरे धीरे सेक लेंगे। और अब लेंगे हम ब्रेड, ब्रेड का क्या करेंगे, इसमें इसको डुबो देंगे और अब हम चलते हैं पैन की तरफ। अब तवा ले लेंगे और तवे पर आप पैन भी ले सकते हैं, ऐसा लें जिसमें ब्रेड अच्छी तरह हम सेक सकें। तो इस पे थोड़ा सा डाल देंगे घी, आप ऑयल भी डाल सकते हैं, पर घी में अच्छी टेस्ट ज्यादा नहीं लगेगा। और डिप करके ऐसे हम इस पे रख देंगे, एक ब्रेड और रख सकते हैं, तवा है बड़ा है तो एक ब्रेड एक साथ में और सेक लेंगे। थोड़ा सा घी लगा देंगे ताकि चिपके नहीं और टेस्ट भी अंदर अच्छा है। इसको भी अच्छी तरह बेसन में ब्रेड को ऐसे डिप कर लेंगे। और यहाँ रख देंगे और इस पर जो हमारी सब्जियां हैं वो डाल देंगे। अब नीचे से थोड़ा सिकने देंगे, गैस की फ्लेम है मीडियम रखेंगे। ब्रेड है नीचे से सिक चुकी है और अब हम थोड़ा साइडों में घी और लगा देंगे ताकि इसको पलटें तब ये चिपके नहीं। और इसको पलट देंगे अच्छी तरह, सिक चुकी है इसको भी पलट देंगे। अब इसको मीडियम फ्लेम पे सिकने देंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ये नाश्ता अपना पट बन के तैयार हो जाता है। फुल आंच पे नहीं सेकेंगे क्योंकि बेसन है, जो इसको धीरे धीरे पकाएंगे ताकि नाश्ते में जो टेस्ट है वो अच्छा आए। अब हम पलट के देखेंगे तो इधर से भी थोड़ा सिक चुका है और थोड़ा सा पकाएंगे, इसको भी पलट देंगे और 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा और पकने देंगे। ब्रेड है दोनों साइड से अच्छी तरह सिक चुकी है, ऊपर से भी इस तरह सिक चुकी है और जब हम पलट के देखेंगे तो इस साइड से भी अच्छी तरह सिक चुकी है, इसको भी पलट के देखेंगे। और अब हम दोनों को निकाल लेंगे, इसी तरह बाकी जो ब्रेड है वो बेसन में डिप करके मीडियम फ्लेम पे हम धीरे धीरे सेक लेंगे। इसमें ज्यादा न तो, यदि आप ऑयल लगाते हो तो न ऑयल लगता है और नहीं ज्यादा घी, कम घी में ये बन के तैयार हो जाती है। इसी तरह सारी ब्रेड तैयार कर लेंगे और ये नाश्ता है वो फटाफट बन के तैयार हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता है, बहुत टेस्टी लगता है। इसको जरूर बनाइए, इसको आप चाय के साथ भी खा सकते हैं, हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं और टोमेटो सॉस के साथ भी खा सकते हैं, जो आपकी मर्जी हो उसी के साथ आप इसको
खा सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर मेरे वीडियो को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे जो बेल आइकन की घंटी है उसको दबा दीजिए ताकि आने वाली मेरी सारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।